भरोसे से लोगों को ताकत मिलनी चाहिए लोग बंधने नहीं चाहिए ये चीजें तो ऐसी उम्मीदें पैदा कर देंगी जिन्हें कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता तो भरोसे के नाम पर लोगों को जंजीरों में मत बांधिए, सतगुरु मेरा सवाल भरोसे के बारे में है जिसे मान लीजिए किसी ने हमारा विश्वास कई बार तोड़ा हो तो हम दोबारा उस पर भरोसा कैसे करें अगर आप बेवकूफ हैं तो आप जो मर्जी आए कर सकती हैं <laughs> आपको यह समझना होगा कि भरोसे का मतलब यह नहीं है कि दूसरे को वैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा जैसा आप उनसे उम्मीद करते हैं भरोसा यानी वो चाहे जो भी करें आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका रिश्ता ऐसी जगह पर पहुंच गया है तो वरना भरोसे जैसे बड़े शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए अगर भरोसे का मतलब है कि उन्हें वही करना चाहिए जो आप उम्मीद करते हैं तो आपका भरोसा एक तरह की जेल है भरोसे से लोगों को ताकत मिलनी चाहिए लोग बंधने नहीं चाहिए है ना तो आपके हिसाब से भरोसा यानी लोग वैसे ही बने रहें जैसा आप चाहते हैं देखिए ये भरोसा विश्वासघात फलाना ढिमका चीजें इन फालतू चीजों में मत पड़िए बस अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए देखिये ये लोगों की सबसे बड़ी गलती है उन्होंने हमेशा आपको अच्छा बनने के लिए कहा अगर आप अच्छे बन गए तो आप सभी से ऐसी उम्मीदें लगा बैठते हैं देखिए सबसे पहले लोगों ने आपको बताया कि भगवान अच्छे हैं भगवान करुणा है भगवान प्रेम है भगवान कितना कुछ है छोड़िए वो सब चीजें जो लोगों ने कही हैं। मान लीजिए कि आपने ये सब बकवास किसी से सुनी ही नहीं है आपने इस सृष्टि पर ध्यान दिया है आपने एक फूल को गौर से देखा है एक चीज है जो आप देख सकते हैं कि जिसने भी ये सब कुछ बनाया है उसमें जबरदस्त बुद्धि है, है ना? हाँ या ना? या चलिए फूल जैसी प्यारी चीज को छोड़िए आप बस एक चींटी पर ध्यान दीजिए जो जमीन पर रेंगती है इसको जैसे बनाया गया है, वो जबरदस्त बुद्धि है, है कि नहीं है हाँ या ना पर किसी ने आपसे नहीं कहा कि भगवान बुद्धि है अगर उन्होंने आपसे कहा होता कि भगवान बुद्धि है तो हमारे पास ज्यादा समझदार दुनिया होती तो <laughs> आप ऐसे भरोसे के चक्कर में मत पड़िए अपने जीवन और रिश्ते को समझदारी से संभालिए क्योंकि इन चीजों से ऐसी उम्मीदें पैदा होंगी जिन्हें कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता और बस स्ट्रगल होंगे लगातार टकराव होंगे भरोसा यानी मुझे किसी पर भरोसा है मतलब वो जो भी कर रहे हैं मुझे उन पर भरोसा है नहीं मुझे उन पर भरोसा है यानी उन्हें वही करना चाहिए जो मैं उनसे करने की उम्मीद करता हूं ये भरोसा नहीं है ये एक तरह की सॉफ्ट जेल है है ना ये ये अभी शायद भारत में नहीं आया है पर बाकी हर जगह वहां वहां पर कुत्तों की चेन की जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉलर बांधे जा रहे हैं चेन नहीं है कुत्ता वहीं रहता है वो कभी बाउंड्री से बाहर नहीं जाता क्योंकि अगर वो बाउंड्री से बाहर गया तो उसे करंट लगेगा ओके okay? अमेरिका में बहुत आम हो गया है कुत्ता बस बगीचे में ही घूमता है कहीं नहीं भागता ना कोई बाढ़ है ना ही जंजीर पर कुत्ता बाहर नहीं भागेगा क्योंकि जैसे ही वो बाहर जाएगा आप ऐसे आप मुंह क्यों बना रहे हैं इसे भारत में लक्ष्मण रेखा कहते हैं <laughs> अगर आप उसे पार करेंगे तो परेशानी हो जाएगी तो भरोसे के नाम पर उसी बाउंड्री की बात कर रही हैं आप इसे पार करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी तो भरोसे के नाम पर लोगों को जंजीरों में मत बांधिए अगर आपको वाकई किसी पर भरोसा हो तो चाहे वो जो भी करें शायद वह ऐसा जिंदगी की अपनी समझ से कर रहे हों हर कोई अपनी बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से काम कर रहा है है ना? हा? अभी इस वक्त शायद वो इतना ही कर पाने लायक हो अगर आप उन्हें और ज्यादा विकसित कर सकें तो बहुत बढ़िया है अगर आप नहीं कर सके तो आपको देखना चाहिए कि क्या करना है पर भरोसे जैसे शब्द निकालकर मत लाइए भरोसे से लोगों को कैदी नहीं बनाया जाना चाहिए भरोसे से लोगों को आजादी मिलनी चाहिए है ना?